अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर सेकंड ईयर 2018 क्वेश्चन नंबर 9 का। फॉलोइंग सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन वर कंप्लीटेड बाय ज़ुल्कर्नैन कंपनी लिमिटेड। पहली ट्रांजैक्शन इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच एट रुपीस 13 पर शेयर टू एक्वायर अ मशीन। मशीन खरीदी, 10,000 शेयर इशू करे, 10 वाला 13। मशीन की वैल्यू गिवन नहीं है, तो अगर किसी एसेट्स की वैल्यू गिवन ना हो तो कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। मशीन हो जाएगी डेबिट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 13, कितना आ जाएगा? 1,30,000 से मशीन डेबिट हो जाएगी और ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल क्रेडिट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 से कितना आ जाएगा? 1,00,000। बाकी 30,000 क्या आ जाएगा? प्रीमियम, ऑर्डिनरी शेयर्स प्रीमियम 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा? 30,000। नरेशन आएगी टू रिकॉर्ड परचेज मशीन एंड इशूड शेयर्स विद प्रीमियम। ये हो गई पहली एंट्री, मशीन खरीदी, मशीनों के डेबिट, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू से 1,30,000 और शेयर्स कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से होगा क्रेडिट, यानी कि 1,00,000 से, और प्रीमियम आ जाएगा 3 रुपए, यानी कि 30,000 से। ठीक है जी, सही सवाल कौन सा करवा रहे हैं हम? 2,000 सेकंड एंट्री, परचेज इक्विपमेंट फॉर रुपीज 30,000 एंड इशू 3,500 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। इक्विपमेंट खरीदी 30,000 रुपए की, इक्विपमेंट जाएगी डेबिट, कितने से? 30,000। इक्विपमेंट खरीदी आपने, इक्विपमेंट हो गई डेबिट 30,000 से, इशू करे 3,500 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ठीक है ना, और शेयर डिस्काउंट हो जाएगा डेबिट। और शेयर्स कैपिटल ठीक है ना, ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल नरेशन टू रिकॉर्ड इशूड शेयर्स ऑन डिस्काउंट फॉर इक्विपमेंट। शेयर कितने दिए? सवाल में लिखा हुआ है शेयर दिए आपने 3,500, तो 3,500 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी के 35,000 से शेयर कैपिटल क्रेडिट और 5,000 से डिस्काउंट हुआ डेबिट, 5,000 से इक्विपमेंट डेबिट, 30,000 से शेयर कैपिटल, 35,000 से क्रेडिट। थर्ड एंट्री पे आते हैं, परचेज लैंड फॉर 750,000, लैंड खरीदी 7,500,000 की, लैंड डेबिट हो जाएगा कितने से? 7,50,000। अच्छा जी, तुमने भाई लैंड खरीदी 7,500,000, तो लैंड हमने डेबिट कर दिया था 7,500,000 से, सही। उसके बाद क्या कह रहा है? बाय अलॉटिंग सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताई कितने थी, ऑफ रुपीज 10 एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 5 पर शेयर। 7,500,000 की लैंड खरीदी, शेयर इशू करे 10 वाला कितने में? 5 रुपए प्रॉफिट, यानी 15। नंबर ऑफ शेयर्स गिवन नहीं, आपने निकालने पड़ेंगे। तो पहले तो नजर आ रहा है प्रीमियम भी है और कैपिटल 10 का आएगा, एंट्री तो बनाए पहले, लैंड डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल क्रेडिट,
और ऑर्डिनरी शेयर्स प्रीमियम के लिए नरेशन टू रिकॉर्ड परचेज लैंड एंड इशूड शेयर्स विद प्रीमियम। अब शेयर्स बताए नहीं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जब भी नंबर ऑफ शेयर्स गिवन ना हो आप कैसे निकालते हैं, एसेट्स डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू। तो लैंड है 750,000 की सामने लिखी हुई है, मार्केट वैल्यू कितनी है देखो, 10 रुपए का कैपिटल है, 5 का प्रीमियम, 15 रुपए की मार्केट वैल्यू, 15 से डिवाइड करेंगे, 7.5 लाख डिवाइड बाय 15 करेंगे, 750,000 डिवाइड बाय 15, 50,000 शेयर आ गए। ₹50,000 के शेयर आ जाएंगे और 5 रुपए का प्रीमियम आ जाएगा, 5.5 लाख का आ गया प्रीमियम। चौथी एंट्री पे आते हैं, इसमें लैंड खरीदा, शेयर दिए, शेयर की वैल्यू गिवन नहीं, ठीक है ना। अदर नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिए और उसको रेट से मल्टीप्लाई करा, कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री पे परचेज 4 कंप्यूटर्स फॉर 50,000 ईच, चार कंप्यूटर खरीदे एंड इशूड सूटेबल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज 10, इसकी मार्केट वैल्यू कुछ नहीं, 10 रुपए ही पा रहा है, 10 ही मार्केट वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, 50 जो वैल्यू होगी एसेट्स की डिवाइड बाय 10। आपने कंप्यूटर खरीदे 4, जब कंप्यूटर खरीदे तो कंप्यूटर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ जाएगा, 2 लाख, और ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल के नरेशन टू रिकॉर्ड इशूड शेयर्स फॉर परचेज ऑफ कंप्यूटर। दो लाख के कंप्यूटर खरीदे और शेयर इशू कर दिए 10 के हिसाब से, ठीक है जी, ये होगी एंट्री 50,000 दो लाख आया और नंबर ऑफ शेयर भी उतने ही हो। फिर इशू 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 टू सेटल डिबेंचर पेबल ऑफ ₹4 लाख, 4 लाख के डिबेंचर के बदले 30,000 शेयर दे दिए, तो डिबेंचर पेबल हो जाएगा डेबिट, कितने से, 4 लाख से, शेयर इशू करे, ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल क्रेडिट कितने से, नंबर ऑफ शेयर कितने लिखे, 30,000 में डेबिट 10 कितना आ जाएगा, 3 लाख का जाएगा, तीन लाख का शेयर्स कैपिटल आ गया। अब मसला ये, 4 लाख की चीज खरीदी है, शेयर्स 3 लाख के दिए, 4 लाख की चीज खरीदी, कितने शेयर दिए, 3 लाख के, 1 लाख के कम दिए, तो क्या आ जाएगा, ऑर्डिनरी शेयर्स प्रीमियम के रेट, दोनों के डिफरेंस यानी क्रेडिट साइड कम है कितने से, 1 लाख से, 1 लाख से शेयर्स कैपिटल कट जाएगा, शेयर्स प्रीमियम कट जाएगा। नरेशन टू रिकॉर्ड इशूड शेयर्स विद प्रीमियम। सर ये फिफ्थ वाली एंट्री समझ नहीं आई, छठी एंट्री पे आते हैं। सिक्स है इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 एट पार टू प्रमोटर अगेंस्ट देयर सर्विसेज। तो जब भी डायरेक्टर प्रमोटर को शेयर इशू करते हैं तो लिखते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, क्या लिखते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी डेबिट और शेयर्स कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड
इशूड शेयर्स टू प्रमोटर्स. ठीक है ना भाई. तो जब भी डेटर प्रमोटर को शेयर इशू होते हैं किस नाम से? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस. कितने के शेयर दिए? 10,000 बाय 10. यानी कितना आ जाएगा? 1,00,000. नंबर 7 पे आते हैं. स्टॉक डिविडेंड ऑफ रुपीज 90,000 इज सेटल्ड बाय इशूइंग सेटेबल नंबर ऑफ शेयर्स. स्टॉक डिविडेंड के बदले शेयर्स दे दिए. डिविडेंड कहते हैं प्रॉफिट को. जब भी कंपनी में प्रॉफिट होता है लोगों को उसे कहते हैं डिविडेंड. ठीक है ना. यानी तुमने शेयर्स खरीदे शेयर्स के मालिक को, अब जो भी तुम्हें प्रॉफिट होगा क्या क्या लाएगा? वो डिविडेंड. तो डिविडेंड शेयर्स के थ्रू दोगे तो स्टॉक डिविडेंड, कैश दोगे तो कैश डिविडेंड. एंट्री क्या बनेगी? स्टॉक डिविडेंड पेबल डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल क्रेडिटेशन टू रिकॉर्ड इशूड शेयर्स अगेंस्ट स्टॉक डिविडेंड. कितने 90,000 के. लास्ट एंट्री इशू 2,000 डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 एट रुपीज 95 रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स एट रुपीज 105. 100 रुपए का डिबेंचर 95 में इशू किया. पहले तो का कैश डेबिट. कितने डिबेंचर है? 2,000. कैश हमेशा इशू वैल्यू से डेबिट होता है. 2 × 95 सही है. और 5 रुपए कम में इशू किया तो क्या होगा? डिस्काउंट ऑन इशू आ जाएगा. Discount on issue 2,000 × 5. रिपेबल कितना? 105. तो जब 5 रुपए रिपेबल ज्यादा है तो जब रिपेबल ज्यादा होगा तो क्या आएगा? लॉस ऑन इशू. और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने का आएगा? 105 का दिए, 5 रुपए एक्स्ट्रा है. तो 5 रुपए का आ जाएगा 2,000 × 5 लॉस ऑन इशू और 2,000 × 5 से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. और लास्ट आएगा डिबेंचर पेबल हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट जाएगा 2,000 × 100 narration to record issued debentures on discount 2,000 × 95 kitna aa jayega? 190,000. aur 2,000 × 5 kitna aa jayega? 10,000. loss hi 5,000 kitna aa jayega? 10,000. aur redemption 10,000 rupaye ki aa jayegi. premium redemption 10,000. और डिबेंचर पेबल हमेशा पार वैल्यू यानी 100 रुपए से क्रेडिट होगा. कितना देगा? 2,00,000. टू रिकॉर्ड इशू डिबेंचर ऑन डिस्काउंट